हेलो व्हाट्सअप एवरीवन एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आप सभी नमस्ते। सो इफ यू आर प्लान टू कमिंग टू कनाडा और स्पेशली सस्कैचवान प्रोविंस पे जाना चाहते हो, अगर आप सस्कैचवान प्रोविंस में मूव होना चाहते हो या मूव हो रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा, बिजनेस वीजा, इन्वेस्टमेंट वीजा या LMIA पे या प्री अप्रूव LMIA पे, तो ये वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई विल टेल यू द प्रो एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन सस्कैचवान प्रोविंस एंड द करंट सिनेरियो। आज जून 2024 है एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे PR का पाथवे कैसा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज का पाथवे कैसा है, प्रोविंस कैसा है, वहाँ की लाइफ कैसी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अर्निंग्स, इनकम, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग एंड रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट, और किस तरह की कम्युनिटीज वहाँ पे है, किस तरह के वहाँ पे लोग हैं। सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सस्कैचवान प्रोविंस बिकॉज मैंने अपना मोस्टली टाइम जो मेरी लाइफ का पार्ट है वो मैंने सस्कैचवान प्रोविंस में ही मैंने स्पेंड किया है, जहाँ पे चाहे विलेज हो, टाउन हो, रजाइना हो, आउटलुक टाउन हो, रोज टाउन हो, या बहुत सारे जगह है, मिनी सिटीज़ है, प्रिंस अल्बर्ट है, मूसे जॉ है, तो हर एक चीज़ के रिगार्डिंग आई विल टॉक अबाउट एंड यू विल गेट एन आइडिया कि डेट इज रेडी वर्थ मूविंग टू सस्कैचवान प्रोविंस और नॉट। सो वीडियो शुरुआत करते, शुरुआत करने से पहले इफ यू न्यू टू माय चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइब अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड इफ यू नीड any help regarding the study visa LMIA आप लेना चाहते हो तो मुझे DM कर देना, मैं विल हेल्प यू आउट। सो शुरुआत करते हैं वीडियो एंड टॉपिक के बारे में एंड बात करें टॉपिक के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सस्कैचवान प्रोविंस में जा रहे हो, सस्कैचवान में जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं ऑल आर पब्लिक, एडमिशन लेना वहाँ पे इतना ईजी नहीं है बट वहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा ही है, बट येस सारे जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं सारे पब्लिक है, लिविंग एक्सपेंसेस एज कम्पेयर टू ऑन्टारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया या क्यूबेक प्रोविंस के मुकाबले काफ़ी सस्ता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। 400-450 में आपको रूम मिल जाता है, यूटिलिटीज 50-100 मान लो, मीन्स ओवरऑल आपको यूटिलिटीज इंक्लूड करके आपको 550-600 में आपको बढ़िया सा प्राइवेट रूम मिल जाता है सस्कातून या रजाइना जैसी सिटी में। सस्कातून इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ सस्कैचवान प्रोविंस एंड रजाइना इज द कैपिटल ऑफ सस्कैचवान प्रोविंस। ये दो मेन सिटीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ अगर मैं जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग कहूँ, इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग कहूँ, तो सस्कैचवान प्रोविंस में मेनली जो इंडस्ट्रीज़ है वो माइनिंग है, एग्रीकल्चर है और रिटेल की इंडस्ट्रीज है, यही तीन मेजर इंडस्ट्रीज है। एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है वो सीजन इंडस्ट्री होती है, फ्रॉम द अप्रैल मंथ टिल अक्टूबर मंथ तक होती है। माइनिंग इंडस्ट्री भी इतने टाइम के लिए ही होती है और जो रिटेल इंडस्ट्री पूरे साल तक चलती है। लेकिन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग कहूँ, इट्स अ सीजनल और जॉब्स अभी करंट सिनेरियो में बहुत कम है, बहुत कम है, नॉट इन सस्कैचवान, इन एवरी प्रोविंस इन कनाडा। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट दैट ईजी टू आराम से अपने एक्सपेंस निकाल पाओ। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो या LMIA पे जा रहे हो ठीक है, अगर LMIA पे आप पेरोल चला रहे हो और आपको लगे कि मेरे को जॉब मिल जाएगी कैश में, भूल जाओ, नहीं मिल पाएगी, वेरी डिफिकल्ट। Until and unless if you have a reference contact, if you have a skills, very talented, if you have very talented reference and contact, तब possible है, या आप ride sharing system कर सकते हो, तब आप थोड़ी बहुत income earn कर सकते हो। Otherwise आप सोचो मैं किसी retail store में, grocery store में, pizza store में, restaurants में, Tim Horton में या किसी में job मिल जाए, cash वैश नहीं मिल पाएगी, Tim Horton तो वैसे भी नहीं मिल पाएगी, agriculture की jobs भी इतनी आराम से नहीं मिल पाती है। PR के regarding बात करूँ तो, अगर आप सस्कैचवान प्रोविंस में जा रहे हो तो मिनिमम 2 ईयर का कोर्स करना, मिनिमम 2 ईयर्स, चाहे वो डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो, आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ PR। लेकिन जो हार्ड टू फिल कैटेगरी है वो अभी बंद है 11 जनवरी 2024 से, सो इट्स नॉट दैट ईजी कि अभी आप, वो भी टेम्प्रेरी क्लोज हैं, तो चीज़ें अभी क्लोज इन टर्म्स ऑफ PR, तो उसमें टाइम लगेगा एंड कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। पहले PR पाथवे बहुत ईजी था आज से 1.5-2 साल पहले, लेकिन फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स इट्स नॉट दैट इजी, डिफिकल्ट है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा, PR पाथवे आराम से मिल नहीं रहा। अगर आपको मैं LMIA के रिगार्डिंग कहूँ, सेम गोज टू LMIA ऑल्सो, LMIA में आपको मिल सकता है अगर आप कोई और, आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको जॉब मिलती है, हेल्थ केयर में मिलती है, चाइल्ड केयर में मिलती है, तब आपके पास पॉसिबिलिटी है। अगर आप एग्रीकल्चर में मिलती है, लेकिन एग्रीकल्चर की जो जॉब होनी चाहिए वो फुल टाइम होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी सीजनल, इट शुड बी फुल टाइम, तब आपके चांसेस हैं। और PNP में अगर आपका पॉइंट आराम से बन जाएगा, आपके चांसेस हैं, और इन फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपको PR मिल सकता है, आपको SINP के अंदर आपको इन्विटेशन ITA मिल सकता है फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें एक चीज़ और करना चाहूँगा स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, मैं अगर
सस्कैटून में ना एक प्रोविंस है, एक सिटी है मूसेजॉ, जो RNIP कम्युनिटी के अंदर आती है, रूरल नॉर्थन इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर आती है, क्योंकि पहले पायलट प्रोग्राम था टेम्परेरी, तब ये परमानेंट हो गया है। इट्स अ परमानेंट प्रोग्राम फॉर द PR पाथवे। अगर आप मूसेजॉ में किसी पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हो फॉर द 2 ईयर्स, इट शुड नॉट बी 1 ईयर, इट शुड नॉट बी 1+1, इट शुड बी 2 ईयर्स कॉन्टिन्यूस एजुकेशन। इवन इफ यू हैव अ 0 एक्सपीरियंस, यू कैन फाइल अंडर द RNIP, आपको आराम से PR मिल जाएगा, आपको IDA मिल जाएगा विद इन 5 to 6 months या 8 months में आराम से मिल जाएगा, और 1.5 साल के अंदर आपके हाथ के अंदर PR कार्ड होगा आफ्टर कम्प्लीटिंग योर एजुकेशन इफ़ यू आर इन मूसेजॉ। अगर आप मूसेजॉ से किसी पब्लिक कॉलेज या पब्लिक यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हो तो। जॉब्स के रिगार्डिंग कहूँ, LMI के रिगार्डिंग जैसे मैं पहले कहा था, इट्स नॉट एट ईजी। देखो LMI फ्री में तो मिलता नहीं है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, फ्री में सिर्फ ज्ञान मिलता है हर जगह, हेल्प कोई नहीं करेगा, रेफरेंस कॉन्टैक्ट जितने मर्जी बना लो, काम के लोग बहुत कम होंगे, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी चीज़ होगी भी ना, वो आपको तब भी नहीं बताएंगे। ये पूरा कनाडा का सिनेरियो है, सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स। सो बी मल्टी टैलेंटेड, बी एक्सट्रोवर्ट, बी हैविंग अ स्किल्स, अ लॉट्स ऑफ स्किल्स, इतने सारे ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपके पास होने चाहिए कि आप किसी और पर डिपेंडेंट ही ना रहो, आप खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको, तभी आपकी लाइफ इजी है, नॉट इन Saskatchewan, इन एवरीवेयर इन कनाडा। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी में बात करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपको सिर्फ मेनली सिटी से मिलेगा, मूसेजॉ, प्रिंस अल्बर्ट, रजाइना और Saskatoon सिटी के अंदर ही मिलेगा। अगर आपको किसी टाउन, किसी विलेज में जाना है, भूल जाओ, या तो आपको राइड करना पड़ेगा, अच्छे खासे जाके पैसे लगेंगे, ऑनटेरियो वाला हिसाब नहीं है, ब्रिटिश कोलंबिया वाला हिसाब नहीं है कि आपको सस्ते में राइड मिल जाएगी, यहाँ पे राइड थोड़ी सी महंगी पड़ती है। अगर आपको किसी सिटी से सिटी में जाना हो, इट्स एक्सपेंसिव एंड इट्स नॉट वर्थ इट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, बट येस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत बकवास है कनाडा का, सिर्फ सिटीज़ के अंदर ही ठीक ठाक है, वो भी सिर्फ बस चलती है, लेकिन इसका पंचुअल टाइम है, इतनी भी लाइक Saskatoon रजाइना के अंदर भी इतनी अच्छी सर्विस नहीं है, 20-25 से आधे घंटे में आती है, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो अगर आप सिटी के अंदर हो तो राइड शेयरिंग सिस्टम होता है, $10-15 में होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, मैं आराम से पहुंच जाओगे विद इन 15-20 मिनट्स मैक्सिमम। इतनी बड़ी सिटीज़ भी नहीं है, बहुत छोटी सिटीज़ है, क्योंकि Saskatoon की जो पॉपुलेशन है वो 3.5 लाख है, और जो रजाइना की पॉपुलेशन है वो 2.25 लाख है, अभी 2.5 लाख हो गई होगी इंक्लूडिंग इमिग्रेंट्स, जो PR होल्डर कैनेडियन सिटीजन नहीं है, जो स्टूडेंट्स है, रिफ्यूजी है, उनको मिला कह रहा हूँ। आपको Saskatoon में, रजाइना में, स्पेशली Saskatoon में आपको रिफ्यूजी काफ़ी मिल जाएंगे, अफगानी रिफ्यूजी, यूक्रेन की रिफ्यूजी और मिडिल ईस्ट से काफ़ी सारे रिफ्यूजी आपको मिल जाएंगे, पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी काफ़ी मिल जाएंगे Saskatoon प्रोविंस के अंदर, सॉरी Saskatchewan प्रोविंस के अंदर, खासकर Saskatoon सिटी के अंदर। सो इन टर्म्स ऑफ जॉब्स हो गई, जॉब्स बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, अगर आप स्किल बेस्ड हो तब भी थोड़े बहुत आपको रेफरेंस के थ्रू ही पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा नहीं है, सब मैंने कहा, सब सिटीज़ के अंदर आपको पब्लिक बस मिल जाएगी, अदरवाइज डिफिकल्ट है। बट एक चीज़ है, अगर आप अपनी गाड़ी खरीद लेते हो, बाइंग अ कार इट्स क्वाइट इनएक्सपेंसिव, इट्स क्वाइट चीप एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस, और जो इंश्योरेंस होती है वो 100 डॉलर मैक्सिमम इन अ मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द गाड़ी कितनी चली हुई, डिपेंडिंग अपॉन द गाड़ी का क्या ब्रांड है और गाड़ी कितनी महंगी है, इतनी सस्ती आके इंश्योरेंस होती है। ऑनटेरियो ब्रिटिश कोलंबिया की तरह नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे काफ़ी सस्ती है। आप राइड शेयरिंग कर सकते हो फ्रॉम विलेज, फ्रॉम टाउन टू सिटी, सिटी टू टाउन, थोड़ा बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप बहुत सारे होते हैं, आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे राइड शेयरिंग वाले ग्रुप बहुत सारे मिल जाएंगे, यू कैन चेक, आप वहाँ पे आप ऐड हो सकते हो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ LMI, अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, आपका बैकग्राउंड, जब आपकी अच्छी प्रोफाइल, आपकी होम कंट्री में, आपकी अच्छी इंडस्ट्री में वर्क किया, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छे आपके पॉइंट्स बन रहे हैं CRS में, PNP में, और आप फिर अच्छी इंडस्ट्री में, अच्छे नॉकआउट में जाते हो, कनाडा में वर्क करते हो, तब आपके चांसेस है टू गेट इनटू द PR, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड मेक श्योर, अगर आप LMI में जाते हो, दिस नो गारंटी कि आपको PR भी मिलेगा। आप LMI इट्स जस्ट आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करता है, कोई कॉल सेंटर ना आपको ये बोलेगा आपको वर्क, आपको PR भी दिलवा के देंगे। IRCC का ऑफिस, ESDC का ऑफिस किसी घर में नहीं खुला हुआ, पॉसिबिलिटी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस इफ यू आर इन द राइट प्रोविंस, राइट इंडस्ट्री, राइट नॉक कोड, हायर नॉक कोड, आपको अच्छे पॉइंट्स मिले और आपकी अच्छी प्रोफाइल हो, तभी आपके चांसेस हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि कितने ड्रॉ निकल रहे हैं वहाँ पे, डिमांडिंग अपॉर्चुनिटी, डिमांडिंग जॉब्स किस तरह की है, ये सब कुछ मैटर करता है। बाकी चीज़ें बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस, टैक्सेशन सिस्टम भी काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इनकम बहुत बेकार है, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इन टर्म्स ऑफ लाइफ बहुत डाउन है,
इतना कुछ खास नहीं है, आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, वो सिर्फ आपको सस्कातून सिटी, थोड़ा बहुत मूसेज जाओ या थोड़ा बहुत आपको रैजैना सिटी के अंदर मिलेगा। अदरवाइज इट्स अ वेरी बोरिंग प्लेस, वेरी बोरिंग प्लेस। इट्स अ फ्लैट लैंड एंड इट्स अ होल एग्रीकल्चर माइनिंग प्रोविंस, सो ज़्यादा लाइफ है नहीं। बाकी पीपल आर गुड, पीपल आर वेरी गुड एंड सपोर्टिव एंड हेल्पफुल एंड वेरी केयरिंग। बट यस, अभी करंट सिनेरियो में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो हर किसी की हालत बहुत बुरी है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सो इफ यू आर गोइंग टू कैनेडा इन सस्कैटून प्रोविंस, सो मेक श्योर यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। बट लाइफ थोड़ी सी डावाडोर है, इट्स नॉट दैट ईजी कि आपको आराम से पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। लर्न स्किल्स, नेल पेंटिंग, हेयर ड्रायर, हेयर बार्बर के रिगार्डिंग, स्किल बेस के रिगार्डिंग, मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के रिगार्डिंग, कारपेंट्री के रिगार्डिंग, पेंटिंग के रिगार्डिंग, ये चीज़ें सीख के आओगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, या अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, वीडियोज़ बनाते हो, आप अच्छे कैमरा मैन हो, तो आप फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर गुड इन समथिंग, जो आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो भी आपके पास ऑप्शन हैं पैसा अर्न करने के लिए फ्रीलैंसिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ जॉब, बिकॉज अपॉर्चुनिटी इतनी आपके वैसे भी है नहीं। सो वीडियो को एंड करता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन। इफ यू नीड अ मेसेज वन टू वन, यू कैन डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम। एंड अगर मैं और कोई क्वेश्चन हो, यू कैन कम इन द कमेंट सेक्शन। बट मेक श्योर, एक किसी ने मुझे बहुत टाइम पहले कहा था बिफोर एंड द वीडियो, देखो आज जो मैं बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि हालात बाद में भी ऐसे ही हो गए। और जैसे मैंने पहले कह रहा था कि अगर पहले पॉजिटिव हालात थे, इन्वायरमेंट था, तो ज़रूरी नहीं कि आज भी इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा इन टर्म्स ऑफ ऑल द थिंग्स। सो टाइम चेंजेस, पॉलिसी चेंजेस बाय द ICC, ESDC, कैनेडियन गवर्नमेंट, बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सो एवरीथिंग इज़ नॉट परमानेंट, एवरीथिंग इज़ नॉट सेम एवरी टाइम, सो इट चेंजेस टाइम टू टाइम। सो मेक श्योर आपके पास स्किल्स होने चाहिए, यू शुड बी मेंटली टैलेंटेड, यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग, एंड यू शुड हैव अ रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट, एंड यू शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, एब्स्ट्रैक्ट लेटर बिफोर गोइंग टू कैनेडा, डजंट मैटर आप सस्कैटून जा रहे हो, किसी और प्रोविंस में जा रहे हो, गाड़ी की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। सेकेंड हैंड थर्ड हैंड गाड़ी लेना, पर गाड़ी तभी लेना जब आपको लगे कि आप यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी और आपको गाड़ी से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। EMI पे करते रह जाओगे, इंश्योरेंस पे करते रह जाओगे, वो आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा। आप राइड शेयरिंग कर सकते हो, कार पोलिंग कर सकते हो, अच्छे पैसे कमाओगे। सो वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ, एंड इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।